इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं ऋचा सिंह विशाल खबर की तरफ से। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ सतना के सबसे पुराने कोचिंग सेंटर्स में एक और काफ़ी विख्यात कोचिंग सेंटर लक्ष्य अकेडमी की तरफ से। हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़े हैं माननीय श्री शरद त्रिपाठी सर, आज हम सभी उनको जानने वाले हैं, उनके विषय में जानने वाले हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। हम सतना जिले के 3 कोचिंग सेंटर्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनके विषय में जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो आइए हम मिलते हैं सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ऋचा जी, आपने मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे आपके पास यहाँ आकर के विशाल खबर में। जी सर, और सबसे पहले सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप अपनी एक थोड़ी सी जर्नी बताएं, अपनी शैक्षणिक योग्यता के विषय में बताएं सर। जर्नी का क्या है, जर्नी तो चल ही रही है जी। और जर्नी तो जब से आदमी जन्म लेता है, जब से सोचता है समझता है, तब से स्टार्ट हो जाती है। वैसे मेरा जो पूरा युवावस्था है, या कहना चाहिए पूरी जो एकेडमिक एजुकेशन है, पूरी सारी की सारी छत्तीसगढ़ में हुई है। हालांकि मैं मूल निवासी यहीं सतना जिले का हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी पूरी शिक्षा की। वहाँ भी मेरा एक इंस्टीट्यूट था और वहाँ पे पढ़ाए मेरे जो बच्चे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पे हैं। 2005 में हम सतना आए हैं, उसके बाद से लक्ष्य अकेडमी में, लक्ष्य अकेडमी यहाँ पर स्थापित किया गया और जो आज तक चल रहा है। और आपको बता दूं कि इस लक्ष्य एकेडमी से पढ़े हुए तमाम हमारे विद्यार्थी, लगभग आप मान के चलिए लगभग 5,000 के आसपास विद्यार्थी जो हैं, आज प्रदेश की विभिन्न विभिन्न सेवाओं में चयनित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं जैसे आपको थोड़ा बहुत पर्सनली भी जानती हूँ, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत चीज़ें आप कर सकते थे, फिर ये कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय आपने क्यों लिया सर? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, UPSC मतलब IAS, राजस्थान PSC, झारखंड PSC, मैंने आज तक जो भी PSC दी है, हर कोई भी PSC के प्रीलिम्स में कभी भी ऐसा ना हुआ होगा, कभी भी मैं क्वालिफाई ना हुआ हूँ। लेकिन मेन से मेरे साथ में एक प्रॉब्लम जा रही थी, वो मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं लिखता था तो मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाता था। मैं मेरे हाथों में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ एक्चुअली, तो मैं एक कॉपी लिखता था और फिर मेरे ये हाथों में स्वेलिंग आ जाती थी। कई बार मैंने डॉक्टर्स को भी बताया लेकिन इसका कोई भी सलूशन नहीं निकला। कई मेंस तो ऐसे ही हुए कि मैंने सिर्फ प्री दिए हैं और उसके बाद फिर मैं मेंस में गया ही नहीं, या कुछ ऐसे मेंस हुए कि जिसमें एक पेपर दिया, दो पेपर दिया, तीन पेपर दिया और सारे पेपर मैं नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई। अब उसके बाद एक्चुअली पढ़ाने के तरफ रुझान मेरा शुरुआत से था। जब मैं शुरुआत में अपनी तैयारी मैंने स्वयं प्रारंभ की, तो अपनी तैयारी के साथ साथ में हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, फ्रेंड्स होते थे, उनको साथ में बैठा लेता था, उनको पढ़ाया करता था। तो इस प्रकार से एक तो स्टार्टअप वहाँ से मिल गया हमें, और ये चीज़ मैंने छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई की और उसके बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी स्टार्ट हो गया। तो आपने हर, मतलब ऐसा है कि हर जगह से आपने सफलता स्टार्टिंग के लिए है। PSC प्री निकालना भी सर मुझे ऐसा लगता है आसान नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी राज्य हो, जिन जिन राज्यों में मैं गया हूँ, और साथ ही IAS, ये सब के भी प्री मैंने निकाले, मेंस भी एक बार निकाला। जब शुरुआत मैंने दिया था तभी मेरे 1155 नंबर आए थे मेंस में, लेकिन फाइनली मेरा उस बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद मेरा ये हाथ काम ही करना बंद कर दिया। और मेरे से भी गलती हुई, मैं चाहता तो कोई दूसरे फिंगर का यूज करता है ना, दूसरे फिंगर से लिखना ट्राई करता, लेकिन वो मैंने किया नहीं, वो मेरी आप लापरवाही बोल लीजिए। तो समय बस यूं ही निकलता गया, और समय फिर कैसे निकल जाता है समझ में आ नहीं पाता। तो आप हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े होंगे, आप उन्हें थोड़ा सा टिप दें कि प्री कैसे निकलता है, इतना इजी तो नहीं होता सर मैं जितना जानती हूँ। देखिए, आसान कुछ नहीं होता, आसान सब कुछ होता है। आप सिर्फ फोकस करिए, आप इंजॉय भी कीजिए, ऐसा भी नहीं कि दिन भर आपको पढ़ना है। आप अपनी तमाम दिनचर्याओं के साथ में, लेकिन अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आप फोकस करिए। हर दिन 5 से 6 घंटे, और जब भी पढ़िए तो कंसंट्रेट होकर,
होकर के पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, दुनिया भर के ऑनलाइन हमारे पास में सब कुछ मटेरियल्स हैं, साथ ही मोबाइल में अगर कोई मैसेज भी आ रहा है तुरंत हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम पढ़ रहे थे हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जा रहा है। कम से कम पढ़ते जब समय आप फोकस्ड रहिए, है ना, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उस टॉपिक को अच्छे समझिए और कोई भी टॉपिक को आप मज़ा लेकर के पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई में खुद से इंजॉय नहीं करोगे, पढ़ाई आपको बोर लगेगी। और जब आपको पढ़ाई में इंजॉय मिलने लगेगा तब फिर आप देखिए आपका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, सब निकलेगा। मेंस के लिए बस वही है, आपने प्री की बहुत वास्ट बहुत बड़ी तैयारी होती है जी। मेंस में तो एक निश्चित सिलेबस है, लेकिन प्री में तो पूरी दुनिया है, सब कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है। तो मेंस में जितना अधिक से अधिक आप राइटिंग वर्क कर सको, आप कोशिश करिए कि प्री आपने पास कर लिया है, हर दिन 5 से 6 घंटे आप कंटिन्यू लिखिए। आप जितने अच्छे ढंग से लिखते जाओगे मेंस बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए जी। सर एक दूसरा मेरा अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये है कि आपको क्या लगता है सर, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर इतना आवश्यक क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर आवश्यक क्यों है, बच्चों के लिए स्कूल क्यों आवश्यक है और कोचिंग सेंटर क्यों आवश्यक है, हम इस बात पे आते हैं जी। कोचिंग सेंटर इसलिए आवश्यक होता है, देखिए, या हमारी पढ़ाई पहले अच्छी नहीं हुई होती है, हम लोग 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े, कॉलेज में गए, हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन क्या वहाँ पे उस स्तर का हम पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हम उस स्तर का। अगर उस स्तर का हम पढ़ते तो हो सकता है कि हम बैठ करके अपने घर में भी क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते, लेकिन हमारी वहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन में ही कमी है। आज आप देखिए पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में आप देखो कहाँ पर इतनी अच्छी एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है कि पहले से आपको कॉम्पिटिशन के स्तर का, आपकी मानसिकता से लेकर के, आपकी लिखावट से लेकर के, हर चीज़ों को आप प्रिपेयर करवा पाते हो? नहीं करवा पाते। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको कहाँ पर मिलेंगी? कोचिंग में मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंट, पर्यावरण। आप घर में हो, अकेले हो, पढ़ रहे हो, बोरिंग महसूस होगा। देखिए 100 में से कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में अकेले रह करके फोकस्ड होकर के तैयारी करके, है ना, वो क्वालिफाई होते हैं। और मैक्सिमम आप देखोगे 100 में से 85 से 90 या उससे भी अधिक आप कह लीजिए, अधिकांश लड़के कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थानों से आपको जुड़े हुए ही मिले। आप कोचिंग जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, उसी तैयारी के लिए वो समर्पित रहते हैं, तो उनके साथ में मिलकर के एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। आपने देखा दुनिया कहाँ से बनी है? इस एनवायरनमेंट से। हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, हमारा जो भी पर्यावरण होता है, उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। आपको वहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिलता है कॉम्पिटिशन का और उसी के हिसाब से आप अपना काम करते हो, इसलिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। अगर कोई कहता है कि कोचिंग बेकार है, ये है वो है, हाँ, अब कोचिंग का स्वरूप कैसा है, कोचिंग में पढ़ाने वाले कैसे हैं, ये अलग मैटर करता है। आजकल बहुत सारे लोग कोचिंग खोल करके रखे हुए हैं जिनको स्वयं नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कोचिंग स्थापित कर लिए हैं, ठीक है। हमारे ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़े और जाकर कोचिंग खोल लिए। हमारे यहाँ तो आप ये मान के चलिए, मेरे पास में हर 10-15 दिन में एक बच्चा आएगा, एक स्टूडेंट आएगा, बोलेगा कि मैं इंदौर से पढ़ करके आया हूँ, तो दिल्ली से AIS के इस एकेडमी से आ रहा हूँ सर, मेरे को पढ़ाने के लिए दे दीजिए। अरे तुम कहीं पढ़ करके आओ, दिल्ली से आए हो, बम्बई आए हो, तो क्या तुम इस लायक बन गए हो क्या? अब फिर उनसे 5 क्वेश्चन पूछो तो उनका मुँह शांत हो जाएगा, चले जाएंगे। तो पहले आप अपने आप को उस लेवल पर लाइए कि आप जब क्लास में खड़े होते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, बच्चा अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपको क्षमता होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है। देखिए पढ़ाई ऐसा है, नॉलेज ऐसा कि अथाह होता है, कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टीचर हो तो एक आपको एवरेज, एक आपका हर चीज के विषय में एक दृष्टिकोण होता है और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आपके जीवन में भी संघर्ष रहा होगा, एक संघर्ष जो आपको सदैव ही याद आता है और आपको एक टीस होती है कि ये संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा था। संघर्ष तो बस मेरे ही फील्ड का है। देखिए सबसे बड़ा जो संघर्ष तो यही था, मैंने आपसे बताया, अगर मैं तैयारी करता था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी IAS बनूं या मैं भी DC बनूं, डिप्टी कलेक्टर बनूं, और वो मेरे से दूर रहा, या तो मेरी लापरवाही बोल लीजिए या मेरी क्या बोलते हैं जो भी ये डिसेबिलिटी थी यहाँ पे, है ना, उसके कारण मैं दूर रहा।
ठीक है, तो ये चीज़ की तीस मुझे आज भी होती है। बिल्कुल जी। तो सर जैसे आपने बताया कि अपने साथ आरटीओ बन चुके मनीष सर भी थे, उनसे आपकी काफ़ी गहरी दोस्ती है, उनके भी सर जी हम दोनों ने एक्चुअली स्टार्ट किया था शुरुआत में, फिर और भी एक दिनेश जी भी आकर के हमारे साथ में जुड़े जी। तो मनीष सर और हम अच्छे मित्र भी हैं और वो शुरुआत में हमारे साथ में थे, हम लोगों ने साथ में चालू किया था, अब उनका शासकीय सेवा में आरटीओ में उनका सिलेक्शन हो गया है और एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व भी हैं। बिल्कुल। और आरटीओ जैसे पद पे भी वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग उनको बुलाते हैं, अभी भी बीच बीच में कि छात्रों के बीच में आइए और आपके जो भी क्या बोलते हैं आप जो भी उनको मोटिवेशन दे सकते हैं या कुछ बातें आकर के बताइए, तो बीच बीच में आते रहते हैं वो बताने के लिए। तो सर की बहुत गहरी दोस्ती रही है मनीष सर से भी, मनीष सर करंट में आरटीओ हैं रीवा में और सर के पढ़ाए हुए कई बच्चे कई बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं और ये हमारे विंध्या डिवीजन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अगला क्वेश्चन करती हूँ सर कि जैसे अपन जानते हैं कि कोचिंग सेंटर्स आज के ज़माने में हर मोड़ पे हैं, मतलब थोड़ा भी ज्ञान आया एक ही दिमाग में आता है कि कोचिंग सेंटर्स खोलना है, ये बाढ़ सी जो आ गई है उसके विषय में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए तो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके सतना में ही कोचिंग खोल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और वास्तव में उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कहता कि सब को नॉलेज नहीं है, कुछ ठीक भी है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कोचिंग में देखिए बहुत ज़्यादा क्या होती है इन्वेस्टमेंट तो लगता नहीं है, वो एक कमरा निकाले है ना, दो चार दस बेंच रखे हो गया, एक टेबल एक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए या है ना मार्कर चाहिए, चालू हो गए और यहाँ वहाँ से 10-20 लोग तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं होते हैं। हाँ लेकिन उनके चक्कर में बहुत सारे लड़के जरूर दिग्भ्रमित होते हैं, अपना समय खराब करते हैं, वास्तव में उनको क्या दिशा देना चाहिए क्या डायरेक्शन देना चाहिए है ना उनको खुद भी नहीं पता है, और आगे पढ़ाने के लिए अब पढ़ाने के लिए आ गए तो जो भी लड़कों, अब सबसे बड़ी बात है कि फीस, ठीक है, और फीस अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फीस तो लेंगे नहीं, फीस बहुत ही कम लेंगे और फीस बहुत कम के चक्कर में बहुत सारे बच्चे खींचे चले आते हैं कि चलो भाई यहाँ भी वही मैथ्स पढ़ना है, यहीं पे रीजनिंग पढ़ना है, यहाँ पर भी इंग्लिश मिल जाएगी हमको पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी मिल रहे हैं तो आ जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, लेकिन वास्तव में जो प्रॉपर सही गाइडेंस मिलना चाहिए वो लोग नहीं दे पाते, और इससे क्या होता है कि आपका समय खराब होता है, समय खराब होगा आप डीमोटिवेट होगे और उसके बाद फिर दूसरे कोचिंग की तरफ जाओगे या डिप्रेशन में ज़्यादा आओगे तो फिर वो रास्ता ही आप बदल दोगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो ऐसे लोगों को विद्यार्थियों की भी देखिए ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कोई भी विद्यार्थी है अगर वो तैयारी करने के लिए जाता है तो अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में उसको पता करना चाहिए। ठीक है, कोचिंग एक ऐसा विषय है देखिए कि आपको एक वर्ष भी लग सकता है अच्छी तैयारी करने के लिए, 2 साल का भी समय लग सकता है, 3 साल का भी समय लग सकता है, तो आप खुद देखिए बेहतर आपके लिए क्या है। ठीक है, आप अपनी चादर भी देखिए कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप खुद फैसला लीजिए कि कहाँ पे जाना है और किस ढंग से तैयारी करना है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं सारे, हम लोगों ने भी चालू किया है, चूँकि अब कोरोना के बाद से शिक्षा में एक नया क्रांति बोल लीजिए ऑनलाइन भी चालू हो गई, तो हम लोगों ने भी ऑनलाइन अभी चालू किया है और दुनिया में बहुत सारे अब टीचर्स हैं जो ऑनलाइन में एजुकेशन दे रहे हैं जी। तो आपके पास में दोनों विकल्प होता है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन तो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन में आप देखते हो कि टेली मेडिसिन भी आजकल बहुत सारे डॉक्टर भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप बताओगे मेरे को ये बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा यहाँ छू के दिखाइए, वहाँ से बोल रहा है वो, आ यहाँ छू करके दिखाइए, यहाँ भी छू के दिखाइए, उसके बाद में एक पर्ची में व्हाट्सएप में आपको लिख कर दे देगा ये दवाइयाँ हैं, फिर पता चला रात में आपको दर्द हुआ फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास में, फिर नहीं डॉक्टर देख ही ले कहाँ पर छू करके। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेसिक अंतर ये होता है। तो वास्तव में जो हाइब्रिड एजुकेशन है वो सबसे बेहतर होता है, यानी आप ऑफलाइन भी कीजिए ऑनलाइन भी कीजिए। हाँ ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कोई भी मैटर है भाई है ना, देखिए ऑफलाइन में एक बार आप क्लासरूम में जो भी टीचर ने आपको समझाया
एक बार में निकल गया प्रिपेयर, उसको आपको बार बार आपको ही करना है, अल्टीमेटली तैयार किसको करना है, आपको करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक ऑनलाइन जो फ़ायदा होता है कि कोई भी क्लास में जो भी शब्द है उसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जितनी बार इच्छा हो आप उसको सुनो, पढ़ो, तो ये है। तो लेकिन दोनों ही है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। तो दोनों ही आजकल चीज़ें उपलब्ध हैं और दोनों के हिसाब से चलना चाहिए विद्यार्थी। जैसा कि सर आपने कहा कि हमारा बेस ही कमज़ोर होता है, हम पहले से इतना पढ़ते ही नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है सर, एनईपी का कुछ असर पड़ेगा हमारी न्यू जनरेशन पे? अब देखिए, शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए जो नई सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी लाई है और वो काफ़ी एक बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मैच्योरिटी है बच्चों के अंदर में डालने का उसमें प्रयास किया जा रहा है। सब्जेक्ट भी सारे सब्जेक्टों को इंक्लूड करके पूरा वो बनाया गया है शिक्षा पद्धति, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। लेकिन देखिए, शिक्षा पद्धति तो आप कुछ भी बनाइए, शिक्षा पद्धति तो हमारे यहाँ पहले गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति होती थी, गुरुकुलों से लेकर के मदरसों से लेकर के आज तक की हम लोग एजुकेशन पॉलिसी में पहुँचे हैं, तो क्या गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति बेकार होती थी? वो भी बहुत अच्छी होती थी। आर्यभट्ट से लेकर के ब्रह्मगुप्त से लेकर के तमाम महान इंजीनियर से लेकर के एक से एक पता नहीं क्या क्या खगोल शास्त्रियों को जन्म उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि टीचर, आपने एनईपी में जो भी आपने एजुकेशन पॉलिसी लाई है बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स कैसे हैं, ठीक है। तो शिक्षा का परिवेश वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप गाँव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो उसमें जो शिक्षक हैं, शिक्षक इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र इंटरेस्टेड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होता है कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। तो सर, एक ये भी सवाल था मेरा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, शिक्षक होने चाहिए अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर की स्कूल्स, ये एक बहुत बड़ा विद्रोह है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हमारी आपकी सबकी कमी है जी। आज अगर कोई भी आदमी है जो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, आज अगर वो PCS में उसका सिलेक्शन हो जाता है, अब उसके जब बच्चे होंगे तो क्या वो बच्चा, वो चाहेगा कि मेरा बच्चा इस गांव के स्कूलों में पढ़े या गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े? नहीं चाहेगा ना, नहीं चाहेगा। तो जब वो खुद आप नहीं चाहते हो कि मेरा बच्चा वहां पर पढ़े तो बताइए वहां की एजुकेशन पॉलिसी में कैसे सुधार होगा? हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर अगर आप जाकर के देखोगे तो सबसे बड़ी जो मानसिकता में जो कमी है वो हमारे और आपके में है। हम अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो गांव के स्कूलों में पढ़े या गांव के स्कूल में, सरकार शहरों में भी गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, तो शहरों के गवर्नमेंट स्कूल में भी हम नहीं भेजना चाहते। भले हम कितने भी राष्ट्रवाद की बात कर लें, स्वदेशी की बात करें, हम जाएंगे कहाँ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही। हमें खुद ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है, बड़े अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हम वहाँ पर ही अपने बच्चे को डालेंगे, तो इसके लिए फिर हम ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फिर वहाँ का माहौल जब आप जान रहे होंगे, जब हम अपने बच्चों को वहाँ पे भेज ही नहीं रहे हैं तो वहाँ का माहौल तो ऐसे ही रहेगा। अब वहाँ पे कौन आते हैं, जो अशिक्षित लोग रहते हैं बेचारे, अब वो कहाँ भेजेंगे, वो तो शहरों में नहीं भेज सकते ना, तो उनके पास भी इतना पैसा है, तो उनके बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो वहाँ का माहौल तो वैसे का वैसे रहेगा। बात ये है जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने हर जगह का प्री निकाला हुआ है, PSC हर जगह का निकला, IAS भी निकला हुआ है, तो फिर आपका नॉलेज तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, फिर ये संविदा, पटवारी, इन सब पे आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्यों? हाँ, ये संविदा है, पटवारी है, इस पे तो आराम से निकल सकता था आपका, मुझे नहीं। एक्चुअली देखिए, अदर अगर एग्जाम्स की बात करें, मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है ईमानदारी से, है ना, तो बाकी एग्जाम्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। मेरा एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पे PSC में सिलेक्शन लेना है, तो मैं हमेशा UPSC PSC की तरफ ही मेरा क्या बोलते हैं फोकस रहा है। और फिर मैंने कहा कि समय बीतता जाता है, मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ में भी अपनी कोचिंग भी स्टार्ट कर दी, अपनी एकेडमी भी, छत्तीसगढ़ में जब तक रहा वहाँ पर भी यही करता था, और जब यहाँ पे आया तो फिर इसी में रच बस गया, तो हो गया, वही चल रहा है।
सर एक एक बड़ा ही अजीब सवाल है मेरा ये, पर मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में युवाओं का ज्ञान इसी से तोला जाता है कि वो सरकारी नौकरी में है कि नहीं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है शायद, मुझे लगता है। तो सरकारी नौकरी इतनी आवश्यक क्यों है? प्राइवेट सेक्टर या खुद का बिजनेस इतना जरूरी क्यों नहीं लगता हमारे युवाओं को? आकर्षण, हर चीज़ में एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। हम भी प्रकृति में भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, उनको देख करके हम लोग भी आकर्षित होते हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें भी एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, पावर होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। इसी कारण जो हमारा जो रुझान होता है, जो पहली प्रियोरिटी होती है हमारी, क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब होती है। हालांकि अब ट्रेंड देखिए धीरे धीरे बदल रहा है। अब देखिए जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम जो वो है ना, पेरेंट्स होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है कहीं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, तमाम प्रकार की डिग्रियाँ आ गई हैं। तो यहाँ वहाँ जा करके प्राइवेट सेक्टर में भी अब काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे बच्चों की एक मानसिकता मैंने देखा है कि वो है ना अपना स्टार्टअप खुद भी कुछ तैयार करने की सोच रखते हैं बहुत सारे बच्चे जी। अब ऐसी एक पीढ़ी नई पैदा हो रही है। और ख़ासकर से मैं बोलूँगा कि जब से ये सरकार आई है तब से कुछ इस प्रकार के जो क्रांतिकारी परिवर्तन है बिल्कुल मैंने देखे हैं वो, है ना, कि कुछ अपना स्टार्टअप के बारे में भी सोच रहे हैं। और सिर्फ सरकारी नौकरियाँ ही नहीं, जो अदर प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं प्राइवेट जॉब में भी, है तो उधर भी बच्चे जा रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरियों का अट्रैक्शन तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पावर देखिए, आप कोई दूसरी जॉब में रह करके आप करोड़ों कमाइए, लेकिन अगर आप एक DSP हो, एक सब इंस्पेक्टर ही हो आप जी, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो समाज में कहीं अलग होता है। बस बात वही है, आकर्षण की बात, अट्रैक्शन की बात, पावर की बात। तो पावर जहाँ पे है, शक्ति जहाँ पर होगी, आकर्षण होगा, सीधी सी बात है। तो उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कि सरकारी नौकरी से बेहतर विकल्प लोगों को समझ में नहीं आता है और ना आएगा, आगे भी नहीं आने वाला है। आगे भी नहीं आने वाला है। सरकारी नौकरियों से बेहतर अगर आप बोलोगे है ना, सोशल स्टेटस के रूप में देख लीजिए, किसी भी रूप में देख लीजिए, तो वो चीज़ सामने नहीं है। मैंने कहा ना, एक सेठ है करोड़ों कमाता है, लेकिन उसके सामने एक शासकीय ऑफिसर खड़ा कर दो तो लोग कहाँ पे आएंगे, किसकी पूछ परख करेंगे उस ऑफिसर की? जब तक नौकरी में तब तो भाई है, नौकरी के बाद की बात अलग है। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक ये भी सवाल था मेरा आपसे सर, कि अपने सतना रीवा के बच्चे पलायन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कि इंदौर प्रेफर कर रहे हैं चाहे वहाँ घूमते ही रहेंगे, भोपाल प्रेफर कर रहे हैं और पुणे या अलग अलग जगह कहीं भी, सतना में उन्हें पढ़ना मतलब ऐसा नहीं, जिसके घर में पैसा है वो प्रेफर यही करता है भले ही कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा कि हम बाहर पढ़े। ये मैंने PG के बच्चों में भी देखा है, UG और कोचिंग सेंटर्स में भी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक ये मानसिकता है देखिए यहाँ के बच्चों में कि हमारे लिए इंदौर ही बेहतर है। जैसे IIT हमको करना है तो कोटा ही सबसे बेहतर विकल्प है जी, ठीक है। और अगर PCS PSC की तैयारी हमको MPPSC देना है तो उसके लिए इंदौर से बेस्ट कोई जगह नहीं हो सकती है, वही एक हब है। जबकि वहाँ पर भी जा करके मैक्सिमम बच्चे भटकते रहते हैं और भटकते भटकते फिर 4-5 साल के बाद फिर से आकर के हमको अपना चेहरा दिखाते हैं। अक्सर ये होता है हमारे साथ में, तो होता रहता है। आज 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को देखते रहते हैं, तो ये भटकाव की स्थिति बनी रहती है, एक आकर्षण। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो फोकस रहते हैं अपने आप में और जाकर के वहाँ पर तैयारी करते हैं और बहुत सारे सिलेक्शन भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में यही होता है। वास्तव में आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस कहीं पर मिल रहा है, सही ढंग से मिल रहा है, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सतना में ही रह करके सतना से उन्होंने कदम बाहर नहीं निकाले का मतलब है कि कहीं पर कोचिंग एकेडमी में नहीं गए। और यहाँ पर रह करके सिर्फ 2 अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट में अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने प्राप्त की। हमारे एकेडमी से खुद ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिले जी। तो ये तो आपकी मानसिकता के ऊपर में डिपेंड करता है, फिर आपके पेरेंट्स की समझदारी है ना। पेरेंट्स ही अगर आपको भेजना चाहते हैं तो मन में एक उत्सुकता तो रहती है, चलो भाई सतना छोड़ करके हम चलते हैं इंदौर, चलते हैं भोपाल, मजा आएगा, वहाँ पे घूमेंगे घामेंगे भी जी। है ना, सतना में बहुत बोर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मानसिकता रहती है, कई लोग तो पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं है ना। अब कुछ लोग वास्तव में सीरियस होकर के जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, प्रवृत्ति। देखिए प्रवृत्ति बच्चों की, ये 20-21-22 साल का दौर ही ऐसा होता है कि दिमाग में बहुत सारी उलझने होती हैं।
भविष्य की चिंताएं भी होती है और भी देखिए बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं दुनिया में, सबके ऊपर में भी उनकी निगाह रहती है। तो ये स्थिति में जो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा यानी समझ लीजिए कि मध्यस्थ मार्ग में चलता हुआ जो अपने आप को संभाल लिया, सुधार लिया, वही अपनी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाता है। नहीं तो फिर वही भटकाव की स्थिति होते हुए फिर 2-4-5 साल के बाद में धीरे धीरे आप में डिप्रेशन आएगा और फिर आप दूसरे काम में मुड़ोगे, तीसरे काम में आप मुड़ते जाओगे, नए नए प्रयोग स्टार्ट होते जाए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अब देर हुई है कि नहीं, हो सकता है आप 30 साल के बाद में सफल हो, 32 साल के बाद, हार नहीं मानना है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सर, जीवन एक मिला है, जीवन में आप प्रयोग निरंतर करते रहिए करते रहिए। एक प्रयोग में आप असफल हुए, दूसरे प्रयोग आप करिए, दूसरे में असफल हो गए, तीसरे में हो सकता है आप असफल हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी ना। हो सकता है आप सरकारी आप ऑफिसर न बन जाओ, बिजनेस में बहुत अच्छे आप निकल जाओ, या कोई दूसरे फील्ड में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लो। तो जीवन तो एक है, इसमें तो प्रयोग करने पड़ेंगे ना सफल होने के लिए। तो मेरा एक युवाओं की तरफ से क्वेश्चन है कि बच्चा कैसे पहचाने कि ये कोचिंग सेंटर मेरे लिए अच्छा है, ये सही कोचिंग सेंटर है, ये खराब है, बच्चा आइडेंटिफाई कैसे करेगा सर? आइए लक्ष्य अकेडमी आइए, दो दिन की डेमो लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। दो दिन में आप किसी को समझ सकते हो। आजकल वैसे देखिए कोई भी अगर आपको एकेडमी जाना ही है, हर कोई भी बड़ी एकेडमी है ना आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप 2-3 दिन वहाँ पर जाकर के पढ़िए, देखिए आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर विकल्प है तो आप वहाँ पर रहिए 2-3 दिन में। तो है ना कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर कैसा है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। आप 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, तो इतना तो दिमाग होता है, ठीक है। तो आप आकर के समझिए कि कहाँ पर आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए बेहतर है ना, अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए। मतलब 2-4 कोचिंग सेंटर में उन्हें जाना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आपकी इच्छा है, लेकिन आप जहाँ पर आते हो बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर कैसा है माहौल। देखिए है फीस, मैं बोल रही हूँ मतलब ऐसा ना कि कोई कोचिंग सेंटर ऐसे है ना कि 6-6 हज़ार में 6 महीने की कोचिंग, और वहीं अगर 6 हज़ार में कोई कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, और वास्तव में अगर अच्छी तैयारी कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे तो ऐसा कोई एक्चुअली नज़र आता नहीं है जी। है ना, फीसेस बहुत कम रख देते हैं, लेकिन वहाँ की आप पढ़ाई देखेंगे तो बहुत ही ग्रास रूट पे जमीनी सतह पे चलती है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो वो जो बच्चे हों भटकाव की स्थिति में रहते हैं, तो वो बच्चों को डिसाइड करना है कि फीस अगर 2,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन अगर कहीं पे बेहतर चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वहाँ पर जाइए जी। और सर एक क्वेश्चन लक्ष्य अकेडमी की तरफ से मैं करूँगी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था, जब आपने आपको गर्व हुआ हो या आपको बहुत खुशी मिली हो? देखिए वैसे तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जब वो सेलेक्ट होते हैं आते हैं मिठाई का डब्बा लेकर के जी, उस समय तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना, गर्व की अनुभूति होती है कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी आज इस पद पर पहुंच गया। अरे अक्सर होता रहता है, अभी ही वर्ग 1 वर्ग 2 जो एजुकेशन वाला उनका रिजल्ट आया तो 20-25 लोग लाए, मिठाई खिलाए, साथ में सेल्फी खिंचाते हैं, वो तो बड़ा यादगार लम्हा होता है। लेकिन एक बार जब एक साथ PSC में हमारे एकेडमी से 12 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें डिप्टी कलेक्टर भी थी, DSP भी था, डिस्ट्रिक्ट जेलर भी बना था, 2 RTO भी बने थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था, वो जो प्रोग्राम था वो कभी जीवन में हम मैं भूल नहीं पाता, बहुत ही शानदार वो अनुभूति थी, है ना। 12 लोग एक साथ सेलेक्ट होकर के साथ में बैठे थे, स्पीचेस भी हुई वहाँ पे, मस्तियाँ भी हुई, सब हुआ, ठीक है। तो वो जो मोमेंट था, अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें, वैसे तो जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं देखती है ना, जो आती रहती हैं जाती रहती हैं उनकी यादें, लेकिन अगर इस फील्ड की मैं जिस फील्ड से हूँ चूंकि उसको मैं प्रीफर करूँगा बताना, तो वो सबसे यादगार लम्हा था मेरे लिए जी। अब कोई पर्सनल लम्हा? पर्सनल लम्हे तो बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें लगता है कि हमें याद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी लम्हे याद आते हैं। तो पर्सनल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कोई आप शेयर करना चाहें अगर कंफर्ट हो तो। पर्सनल लम्हा में देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में था, अच्छी खासी मेरी कोचिंग वहाँ पे चल रही थी एकेडमी, आज यहाँ पे जितना मुझे लोग नहीं जानते, आज भी इससे कहीं ज़्यादा मुझे छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं।
क्योंकि जहाँ से आपका बचपन बीता है, पूरा कॉलेज जीवन व्यतीत किया है आपने, तो वहाँ पे आपकी फ्रेंड सर्किल अच्छी बड़ी होती है। वहाँ पे हर जिलों में लगभग हमारे पहचान के लोग हैं। और छत्तीसगढ़ से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, वो मेरे लिए बहुत ही दुखद क्षण था। वो आज भी मेरे मित्र बहुत सारे बुलाते हैं कि आ जाओ, सब कुछ सेट है, यहाँ पर फिर से अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पर चूँकि आ गया तो जा नहीं पाता हूँ। अब उसका एक बहुत बड़ा कारण था, हमारी मेरी माताजी और मेरे से बड़ा ही कोई भी पुत्र है माता है सबका स्नेह होता है, बिल्कुल। लेकिन उनकी तबीयत, हमारे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ था 2003-04 में, और उसके बाद वो यहाँ पे आ गए थे, हम वहाँ पे रहते थे। लेकिन उसी समय उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और फिर डेथ भी हो गई उनकी। अच्छा। तो उसी घटना के कारण मुझे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर वापस आना पड़ा, और वहाँ से आप वापस आते समय बड़ा दुख भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियाँ थी तो मुझे आना पड़ा। एक वो घटना है जो बिल्कुल चेंज लाया मेरे जीवन में, दो मोड़, एक वहाँ का एक यहाँ का। सर अब आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, जी, बच्चा लक्ष्य एकेडमी ही क्यों आए? बच्चा लक्ष्य एकेडमी इसलिए आए कि लक्ष्य एकेडमी में मैं किसी भी ऐसे टीचर क्लास के अंदर एंटर नहीं करने देता जो टीचर है ना अपने विषय में कंप्लीट ना हो। वही टीचर लक्ष्य एकेडमी में जाके क्लास ले सकता है जिसको अपने विषय का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो। अब ज्ञान का मतलब ये है कि एग्जाम के हिसाब से हम उसकी क्लास भी देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टिकोण से उसको कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना तो ठीक है, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जी। और लक्ष्य एकेडमी में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जिसने भी मन लगा के तैयारी की है, साल, दो साल, तीन साल, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो आज बेरोजगार हो, जिसको कहीं ना कहीं जॉब पे ना मिली हो। और हम लोग जो भी लक्ष्य एकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं, सब बड़ी ईमानदारी से, सब बड़ी लगन से, मेहनत से, हर टीचर क्लास में जाने के पहले रात में स्वयं भी प्रिपेयर होता है, खुद भी पढ़ता है। स्टूडेंट भले ना पढ़ते होंगे लेकिन टीचर की पढ़नी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ेगा और उसके बाद क्लास लेगा, ऐसे नहीं पहुंच जाएगा क्लास। और लक्ष्य एकेडमी में एक चीज़ और है, अगर क्लास 3 घंटे की लगती है तो 3 घंटे मतलब 3 क्लासेस लगती हैं, तो हर दिन हर क्लास लगेगी ही लगेगी, कोई भी क्लास ऐसा नहीं कि खाली हो जाएगी। तो एक अनुशासित दिनचर्या के साथ में लक्ष्य एकेडमी चलती है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं सबको लक्ष्य एकेडमी आना चाहिए। जितने भी टीचर्स आपको लक्ष्य एकेडमी मिलेंगे बहुत ही अच्छे हैं, स्किल्ड हैं और काफ़ी समय का सबके पास में अनुभव है। अब ये अलग बात होती है सफलता असफलता, जो असफल होता है ना वही आपको सफलता बता सकता है कि सफलता कैसे मिलेगी। तो आप ये मत देखिए कि कौन सफल है कौन असफल है, ठीक है, आप आइए, आपका जो काम है, आपका जो क्लास है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखिए आप। तो बिल्कुल लक्ष्य एकेडमी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, सिर्फ सतना का नहीं पूरे विंध्य अंचल का मैं बोलता हूँ, और हमारे यहाँ रीवा से लेकर के पन्ना से लेकर के अन्य कई जगहों के भी छात्र आते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हम सभी को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।